नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप एक YouTube क्रिएटर हैं, YouTube पे काम करते हैं, तो आपकी प्रायोरिटी होती है कि आपकी वीडियोस जो है वो रैंक करे, यानी कि आपका कोई वीडियोस से मिला जुला अगर कोई चीज़ें सर्च करता है तो वो जो है आपके भी उसमें सर्च में आए, ताकि आपके वीडियोस को लोग देखें। और जब वीडियोस को देखेंगे तो ऑब्वियसली आपके वीडियोस को पसंद करेंगे, तो लाइक कमेंट शेयर करेंगे और आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार हम अपने चैनल की वीडियोस को सर्चिंग में कैसे लाएं। अगर हम ये जान गए तो फिर सोचिए कि हमारा चैनल जो है वो काफ़ी जल्दी बूस्टअप कर जाएगा और लोग जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप अपने चैनल को सर्च में लेकर आएँ, कि कोई भी आपके वीडियो जैसा मिला जुला कोई वीडियो सर्च करता है यूट्यूब तो आपका भी उस पेज पर चला जाए, जिसकी वजह से लोग आपकी वीडियोज़ को क्लिक करें और वहाँ से देखें, जिसकी वजह से आपके चैनल पर सब्सक्राइबर और व्यूअर बढ़ें। तो आप हमारे वीडियो का अंतिम दौर तक बने रहेगा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग जानकारी आप सभी को देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगर यूट्यूब पे आप काम करते हैं तो देखिए कोई भी चीजें सर्चेबल कब होती है, एक तो एकदम एग्जैक्ट ब्रेकिंग होती है तो लोग उसको ज्यादा से ज्यादा सर्च करते हैं, नहीं तो कोई ऐसी चीजें होती है जो कि काफ़ी लॉन्ग समय तक उसको देखा जा सकता है, यानी कि आपने आज वीडियो डाला तो कल भी देखा जा सकता है, एक साल बाद भी देखा जा सकता है, 10 साल बाद भी देखा जा सकता है। तो इस टाइप के कंटेंट को सर्चेबल कंटेंट कहा जाता है, यानी कि जो ऑडियंस की रिक्वायरमेंट है, जो ऑडियंस की नीडेड है, वो कभी भी हो सकती है। तो वैसा ही वीडियो जो है अपने चैनल पर बनाने की कोशिश कीजिए, यानी कि किसी प्रॉब्लम का समाधान बता रहे हैं, कोई चीज़ें कैसे किया जाए ये बता रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं और आप टेक्निकल चैनल चलाते हैं, यूट्यूब टिप्स की जानकारी देते हैं, तो आप मान लीजिए कि आपने चैनल मोनेटाइज किए, अप्लाई कैसे करें ये वीडियो बनाते हैं कि हाउ टू इनेबल मोनेटाइजेशन ऑन योर चैनल। तो इस प्रकार का अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो ऑब्वियसली ये चीज़ें एक दिन की नहीं है, ये चीज़ें जब तक यूट्यूब चलता रहेगा तब तक होगी कि आखिरकार हम कैसे अपने चैनल को इनेबल कर सकते हैं, अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन जो है ये सारी इनेबिलिटी कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो सर्चिंग है, और ये चीज़ें सर्चिंग है तो ऑब्वियसली इसको कभी भी देखा जा सकता है। तो सबसे पहले अपने कंटेंट को सर्चेबल लाने के लिए इस प्रकार का टॉपिक को सर्च करना पड़ेगा, आपको खुद सर्च करना पड़ेगा, और ऐसे टॉपिक की अगर रिकवरी करते हैं, डिस्कवर करते हैं, तो वो चीज़ें जो है आपकी सर्चिंग में जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि डिमांडेड टॉपिक, यानी कि डिमांडेड करने का मतलब कि देखिए जो लोग भी यूट्यूब पर नए नए कितने लाख हजारों लाखों लोग आते हैं यूट्यूब पर, तो चैनल शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली दे हैव टू नीड टू हाउ टू एनेबल द मोनेटाइजेशन, उनको जानना जरूरी है, क्योंकि वो पहले से नहीं जानते हैं तो ऑब्वियसली वो चीज़ों को सर्च करेंगे। तो जो डिमांडेड टॉपिक है कि 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे कैसे पूरा करें, गूगल एडसेंस की इंफॉर्मेशन बता रहे हैं या फिर यूट्यूब की प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, अगर कोई और फील्ड है उसमें अगर आप ऐसी चीजें बता रहे हैं, तो ऑब्वियसली डिमांडेड टॉपिक पे अगर आप चीजें बनाते हैं जो कि कभी भी देखी जा सके तो वो जो है वो सर्च में आ सकती है। तो पहली चीज ये है कि जब भी आप कोई चैनल बनाते हैं तो ऑब्वियसली आपको ऐसे टॉपिक पे काम करना है जो हाईली डिमांडेड हो और सर्चेबल हो, यानी कि सर्च कर लोग देखें। ऐसा नहीं कि YouTube रिकमेंड किया तो जाकर देखा, ऐसा नहीं, कोई सर्च करे तो आपकी चीजें चला जाए। तो इस प्रकार का अगर आप बनाते हैं तो ऑब्वियसली आपकी चीजें रैंक कर सकते हैं, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज SEO, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली YouTube आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें तीन चीजें होती है। पहला होता है आपका टाइटल, टाइटल में आप क्या डालते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सर्च बनता है। दूसरा होता है टैक्स, टैक्स में आप किस तरीके से टैक्स डालते हैं ये डिपेंड करता है। एंड थर्ड होता है आपका डिस्क्रिप्शन। तो ये तीन चीजें होती है जिसके माध्यम से आपका यूट्यूब चैनल सर्च में जाता है। तो आप कोई भी टॉपिक पे वीडियोस बनाते हैं तो ऑब्वियसली आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि जो फेमस यूट्यूबर हैं, जो फेमस वीडियोस हैं, उनके तरह कुछ ऐसा दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहे कि वहां पर पहुंच जाए। तो टाइटल आप वैसे रिलेटेड दे दीजिए, टैक्स टैक्स जो है अपने तरीके से दीजिए, ताकि मान लीजिए कि मुझे कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि मुझे गूगल एडसेंस की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तो गूगल एडसेंस का प्रॉब्लम को मैं अगर YouTube पे जाऊंगा, अपने तरीके से सोचिए कि अगर मेरी प्रॉब्लम YouTube की Google AdSense की है तो मुझे जाना है YouTube पर उसके सॉल्यूशन के लिए, तो मैं क्या सर्च करता हूं, आपके अंदर से क्या जागृति उत्पन्न होती है जिसके माध्यम से आप उसको सर्च करते हैं। तो आप ये चीज़ें समझ गए, लोगों की भावनाएं समझ गए, लोगों की जो क्रिएटिविटी है किस तरीके से लोग उसको सोच सकते हैं वो आप समझ गए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसी से रिलेटेड टेक्स्ट डालें। तो उससे क्या होगा कि आपका थिंकिंग ही लोगों की थिंकिंग है, यानी कि जैसे आपको प्रॉब्लम होता है तो आप सोचते हैं कि ये चीज़ें मैं सर्च करके
सोचूं तो ऐसे कई लाखों लोगों की प्रॉब्लम है जो आएगी, तो ऑब्वियसली आप ही के जैसा सोचेंगे, तो वहां से आप क्रिएट कर सकते हैं। सेम चीज आप डिस्क्रिप्शन के साथ, डिस्क्रिप्शन में ज्यादा से ज्यादा उस प्रॉब्लम के बारे में लिखें कि ऐसा प्रॉब्लम के सोल्यूशन कैसे हो, उसमें भी जो टैक्स डालते हैं उसी टाइप का एक लंबा लंबा जो है डिस्क्रिप्शन डाल दें, तो इस तरीके से जो है आपकी एसईओ बढ़ जाती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो बढ़ जाता है, जो कि हाईली प्रोबेबिलिटी होता है कि वो आपके चैनल पे ज्यादा से ज्यादा सर्च लिस्ट बढ़े और आपकी जो वीडियोस वो टॉप पे आ जाए, तो ये दूसरी चीज होगी। तीसरी चीज की बात करें तो अगर आप कोई वीडियोस अपलोड करते हैं, ठीक है, एज्यूम के तौर पे कि आपने मान लीजिए वीडियो अपलोड किया कि हाउ टू कंप्लीट फास्ट 1000 सब्सक्राइबर इन 4000 वॉच आवर्स, आप ये वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दिए, आप क्या कहिए कि आप इसको कॉपी कीजिए, इसका जो टाइटल दिया आपने उसको कॉपी कर यूट्यूब पर सर्च करें दूसरे मोबाइल से, ठीक है, दूसरे मोबाइल पर सर्च करें और उसको मोबाइल पर सर्च करते देखते रहें कि जो आपने वीडियो बनाया है और जो आपने सर्च कर रहा है वो आ रहा है कि नहीं, अगर आ जाता है तो उसको क्लिक कर उसको ज्यादा से ज्यादा देखिए, यानी कि पूरा का पूरा वॉच टाइम देखिए, ऐसे ही किसी और का मोबाइल मिल जाता है तो उसमें भी सेम चीज सर्च कर आप देखिए, इससे क्या होगा कि YouTube को पता चलेगा कि यार ये तो 10वें नंबर पर 12वें नंबर पर ये बंदा का आ रहा था, लेकिन ये तो ज्यादा लोग देख रहे हैं इसको, तो वो क्या करेगा धीरे धीरे आपके रैंकिंग को बढ़ाता जाएगा, क्योंकि आपकी वीडियो इफेक्टिव वाले, क्योंकि कोई सर्च कर रहा है तो जो टॉप मिल रही है उसको लोग पसंद नहीं कर, बल्कि नीचे वालों को पसंद करें, तो उसको ज्यादा से ज्यादा YouTube प्रायोरिटी देने लगता है। तो इस तरीके से ये एक अच्छा खासा टिप्स है, जैसे कि आपके मान लीजिए फैमिली में 5 लोग हैं, आपके फ्रेंड्स 5 लोग हैं जो कि आपके साथ रहते हैं इधर उधर, तो आप उनसे सर्च करवा कर इस तरीके की चीजों कर सकते हैं, जिससे YouTube को लगे नहीं भाई इज द बेस्ट कॉन्टेंट बंदा डाल रहा है, इसको और ऊपर बढ़ाया जाए तो इस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी रही, जैसे कि आप अपने वीडियो को सर्च रैंक पर ऊपर लेना चाहते हैं तो ये तकनीक अपना कर आप अपने वीडियोस के चैनल के वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा जो है ऊपर बढ़ा सकते हैं। तो ये जानकारी मुझे लगा कि आप सभी के बीच साझा करना चाहिए, क्योंकि ऐसी जानकारी आप सभी की रिक्वायरमेंट जरूर होती है। तो ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए, अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।